नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे और आई एम योर मिंटोर शिवाज बसीन और आज की वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आप लोगों ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स डेफिनेटली अर्न करे होंगे मैंने आप लोगों को मॉइल हिंदुस्तान कॉपर एंड मल्टीपल स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड करे थे इंस्टाग्राम के अंदर एम रिकमेंड करा था छः की अपसाइड टेक महिंद्रा करा था एक परसेंट की अपसाइड हम लोगों ने एम एन एम करा था दो परसेंट की अपस्टाइल हिंदुस्तान कॉपर ऑपर मॉइल दस परसेंट तक ऊपर गए हैं दोनों स्टॉक सो आई होप आप लोगों ने आज कुछ अच्छा अर्न करा होगा अब बात करते हैं कल के स्टॉक्स की सो गाइस एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से बात करने वाला था कि जनरली जो मैं आप लोगों को बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ अब थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है जो कि मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं उन लोगों के साथ जिस तरीके से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि उनको मैं प्रो येस yes, डेफिनेटली सबसे पहले मैं उन लोगों को ही प्रोवाइड कराता हूँ ये स्टॉक्स एंड कुछ परसेंट बढ़ने के बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ बट मेन्यू ऑफ देम आर सेग कि सर थोड़ा सा वेट करिए बिकॉज वी आर चार्जिंग यू एंड आप हमसे चार्ज कर रहे हो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस वजह से आप लोगों को इंटरा के कॉल्स तो दूंगा बट डेफिनेटली जो कॉल्स मैंने उन लोगों को प्रोवाइड करवाया फॉर एग्जाम्पल आज कुछ करवाया कल करवाया जब वो कुछ अच्छे परसेंटेज पे आ जाएंगे उनको कुछ प्रॉफिट्स होंगे तो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊंगा बट डोंट वरी इसका मतलब ये नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स ख़त्म हो गए हैं मेरे पास अनलिमिटेड स्टॉक्स हैं मैं अनलिमिटेड किसी भी क्लाइंट्स को बाय नहीं करवा सकता तो अगर वो उन्हें नहीं बाय करवा सकते तो वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं कि अगर उनका मन भी करे तो वो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इससे उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोगों की भी दत हो जाएगी सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डोंट वरी स्विंग ट्रेडिंग कहीं नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड इधर हो जाएगा ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड बात करेंगे कुछ इंट्राडे स्टॉक्स की आज इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं एंड हम लोग एक या दो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स भी लेकर चलेंगे डोंट वरी ओके सो लेट्स मूव टू आर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और गाइस हम इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा ज़रूर क्योंकि वहां पर मैं दो स्टॉक्स और देता हूँ वहां पर आपको डेफिनेटली ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और वहां पर आप बहुत ईजीली मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओके एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज गाइज कि आप लोग मुझे प्लीज बताइए क्या मैं एक वीडियो ऐसी लेकर आऊं जो प्रीवियस पास्ट वीक में फ्रॉम फर्स्ट मे टू टिल नाउ संडे तक जो भी मैंने आप लोगों को स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं अगर आप लोग उसकी रिपोर्ट शीट चाहते हैं कि उन लोगों ने कितना परसेंट अर्न करा है क्या प्रॉफिट देकर जाता अगर हम लोग हजार क्वांटिटीज या सौ क्वांटिटीज बाय करते तो उस हिसाब से आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा मैं वो प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट्स मतलब नॉट स्क्रीनशॉट्स एक आप लोगों को एक लेजर प्रोवाइड करवा दूंगा कि अगर हम लोगों ने वो स्टॉक बाय करा होता उस कुछ प्राइस पे जब मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा है आज का उसका प्राइस क्या है रिटर्न आपको कितना दे रहा है देखिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता रिटर्न इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग अपने इन्फ्लेशन को अपने रिटर्न से बीट कर पाए और एक्चुअल में अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए तो एफडी और बैंक डिपॉजिट्स की हमें नीड नहीं पड़ेगी सो so, इसी के साथ मुझे जरूर बताएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो रिपोर्ट शीट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं अगर इस वीडियो पे थाउजेंड लाइक्स आते हैं सो डेफिनेटली आई एम गोना प्रेजेंट दैट वॉच रिपोर्ट शीट और आप लोगों को और प्रोवाइड्स करवाने की मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो टू व ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सुगाई so जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं अगर हम लोग आज की बात करें देखिए द्वारिक शुगर आप लोगों को रिकमेंड करा गया था 15% परसेंट की मूव आज देकर गया ये पर्टिकुलर स्टॉक ग्रानुअल्स इंडिया दिया था 6% परसेंट की मूवमेंट देकर गया इफ यू आर ऑल स्टिल होल्डिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स एस आपको सारे जो स्टॉक्स दे रखे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएगा हम लोगों को अच्छा लगेगा कि आप हमारे कॉल्स के थ्रू कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस आज की अगर मैं हम लोग अपनी मार्केट की बात करें तो मार्केट आज हम लोगों को थोड़ा सा इंटरा डे में लॉसेस बुक करने को मिला यस yes, मैं डेफिनेटली ट्रेड नहीं करता इंटरा डे के अंदर बट मैंने आज कुछ ट्रेड्स लिए थे क्लाइंट्स के साथ बट आज मुझे लॉसेस बुक करने को मिले और वो मेरा लास्ट टाइम था आज इंटरा डे के लिए ठीक है बट मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहां पर हम लोगों ने गलती करी क्या हुआ किस तरीके से देखिए हमारी गलती नहीं मार्केट ने क्या करा जिसकी वजह से हमें लॉसेस बुक करने को मिले सारी चीजें बताई जाएंगी इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है अशोक लेलैंड एंड गाइस एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज और थैंक यू सो मच जो मेरे कल की व्यूज टेन थाउजेंड व्यूज क्रॉस करे हैं मेरे यूट्यूब पे कल की वीडियो पे इसी तरीके से प्यार देते रहिए एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द वेरी वेरी गुड रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप्स ओके सबसे पहले स्टॉक है अशोक लेलैंड इसे इंटरा डे के लिए ही मैं दे रहा हूं इंटरा डे पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर इसने एक सपोर्ट लाइन एक मैंने सब डिमांड जोन क्रिएट करा हुआ है इस डिमांड जोन से आप लोग यहां क्लियरली देख सकते हैं एक अपमूव दी है नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं यहां पर इसने एक डबल बॉटम सिनेरियो क्रिएट करा एक फॉल अप मूव एक फॉल और यहां से ऊपर जा रहा है डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट करा उसके बाद आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि जो टॉप था और जो ये बॉटम था दोनों को लाइंस को रीटेस्ट करके यहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है विच इज अ वेरी गुड साइन अब यहां पर हम लोग एक बाइंग करके चल सकते हैं करंट प्राइस है अभी इसका वन वन सिक्स रुपीज आई पर्सनली थिंक ये स्टॉक अराउंड वन वन एट दो से तीन रुपए आराम से दे सकता है से आप लोगों को कम लग रहे होंगे, से का है, सेल्फ सफ ठीक है, ठीक पर आप देख सकते हैं दो से तीन रुपए आपको मिल सकते हैं यस और ऊपर भी जा सकता है ऊपर आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं बट मिनिमम टारगेट इज टू टू थ्री रूपीज जो हम लोग लग रहा है कि वो कल आ सकता है ओके एस्कॉट्स की बात कर लें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ये ये वाले पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा देखिए क्लियर एक रेंज का एक सिमिट एक सिंपल डाउनफॉल हम लोग एक चैनल सिंपल डाउनफॉल देख रहे हैं उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा उसका एक ब्रेकआउट आया आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक गैप ओपनिंग थी एंड ऊपर जाके क्लोजिंग करिए विच इज अ वेरी गुड साइन अगर कल ये पॉज करता है तो अगले दिन हम लोग एक हेवी एक्सपेक्टेड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पास और मेरे पास पर्सनली है तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा ओके okay? बात करते हैं कि ये स्टॉक में डेफिनेटली कल रिकमेंड करने वाला था कुछ रीजन से रुक गया था मैंने सोचा शायद का आज के दिन मार्केट पे ये स्टॉक गिर सकता है बट ऐसा हुआ नहीं मैं दिखाता हूं क्या रीजन था उसका लेट्स मूव टू वन आर टाइम फ्रेम ठीक है वन आर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था कल के सेशन के अंदर उसके अलावा हम लोगों ने देखा कंटिन्यूसली ये पूरे टाइम दस पंद्रह से लेकर साढ़े तीन बजे तक हम लोगों ने देखा ये कंसोलिडेट करते रहा इस रेंज के अंदर मतलब इसने एक फ्लैग एंड पोल्ड टाइप ऑफ पैटर्न को क्रिएट करा अगेन हम लोगों ने देखा एक शार्प अप मूव हम लोगों को आज के सुबह मार्केट में देखने को मिली और पूरी की पूरी, पूरी पांच कैंडल्स इसके अंदर ही कंसोलीडेट करी है आप क्या ये ट्रेंड समझ रहे हैं देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये एक शार्प अप मूव पांच कैंडल्स एक घंटे के अंदर रेंज के अंदर फिर आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक शार्प अप मूव पांच की पांच कैंडल्स छे छह कैंडल्स एक ही रेंज के अंदर काम कर रही है ठीक है अब यहां पर अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है एक अच्छी बाइंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो अभी ट्रेड कर रहा है 1182 पे स्कॉट्स आप लोग बाय बनाना चाहते हैं तो आप लोग बाय बना सकते हैं 1185 के ऊपर अब बात करें सर बाय करें तो कैसे बाय करेंगे या सीधे ऊपर चले जाए तो बाय कर रहे नहीं आई थिंक अगर आप 15 मिनट की एक कैंडल का वेट कर लोगे या 15 मिनट आपको रिस्की लगता है तो पांच मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लोगे इस लेवल के ऊपर के ऊपर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं सो so आपको करना क्या है आपको इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप लोग एक बाइंग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं या तो आप फाइव मिनट्स ले लीजिए आप फाइव फिफ्टीन मिनट आपके ऊपर डिपेंड करता है ओके सो आई होप यहाँ पर आपको दो स्टॉक्स मैंने अच्छे बता दिए होंगे लेट्स मूव टू थर्ड स्टॉक थर्ड स्टॉक जो हमारा है वो है टेक एम ये स्टॉक मैंने आज रिकमेंड भी करा था अपने इंस्टाग्राम पे मतलब कल करा था यहां पे अगर आप देखेंगे स्टॉक ने करा क्या है ये देखिए सबसे पहले तो ये एक सिमिट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था सिमिट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का इसने एक ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये रेड कलर की लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है कैसे कर रही है वो मैं आपको समझाता हूँ ये देख रहे हैं ये एक सपोर्ट ये एक सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और गाइस अगर आप लोग ये वीडियो फोन में देखते हैं ना तो फोन को ना टिल्ट कर लिया करिए ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में कर लिया करिए तो आप लोगों को और क्लियरली चार्ट्स समझ में आएंगे ठीक है फुल स्क्रीन में आप देखा करिए देख रहे हैं ये सपोर्ट जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ दैट रीटेस्ट रीटेस्ट होने के बाद नीचे आ गया उसके बाद हम लोगों ने देखा दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा सो दैट सपोर्ट आफ्टर ब्रेकिंग एंड गिविंग अ रीटेस्ट बिकम रेजिस्टेंस यहां मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस बट इवेंचुअली इट गिव अ ब्रेकआउट एंड उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब यहां से ये नीचे ऊपर जा रहा है ये देख रहे हैं इसने एक शार्प अपमूव दी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा है एंड रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा ये ब्रेकआउट देने के लिए सोच रहा है अब आप इसने ब्रेकआउट दे दिया नीचे आया ऊपर गया यस अभी भी बाय कर सकते हैं सी की करंट प्राइस की मैं बात करूं तो वो नाइन नाइन वन है डबल नाइन वन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है एक बार हम लोग क्या करते हैं पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अच्छा सॉरी ये पंद्रह मिनट का ही टाइम फ्रेम है लेट्स मूव टू वन आर टाइम फ्रेम एंड यहाँ पर आप लोगों को और क्लियरली विजिबल हो जाएगा अब बात करते हैं सर टारगेट क्या है मुझे लगता है इसके जो टारगेट हैं वो हो सकते हैं थाउजेंड थाउजेंड फाइव रुपीज़ तक के क्योंकि जो, जो इसका ये प्रीवियस जोन है मैं आप लोगों के सामने एक जोन क्रिएट करता हूं ये एक जोन है जो कि मुझे लगता है कि एक टारगेट बन सकता है सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हंड्रेड थाउजेंड एंड फाइव से लेकर थाउजेंड एंड टेन की रेंज के बीच के अंदर है आई थिंक कल ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है इसके बाद अगर और ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं बट अभी के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा ये है ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक ये स्टॉक में आज अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करना चाह रहा था मैं खुद बाय करना चाह रहा था बट कुछ डर की वजह से बार बार मैं रुक कर रहा था बट मैं अब रिकमेंड कर रहा हूं डोंट वरी ठीक है ये स्टॉक डेफिनेटली इंट्राडे पर्पस पर्पज के लिए है बट ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में बहुत बहुत ज्यादा टाइम से है ठीक है इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है इंटेलेक्ट और इसका मैं आपको दिखा देता हूं मैंने किस लेवल पे बाय करा है यू विल गेट शॉक्ड मैं मंथली टाइम फ्रेम पर और मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस पे आपको ये गारंटी मिल जाएगा नॉट अभी पास्ट की कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे ये स्टॉक आपको मिल जाएगा लेट्स मूव टू वन मंथ टाइम फ्रेम वन मंथ के टाइम फ्रेम पे आप यहां देख रहे हैं ये देख रहे हैं एक ये जोन बना हुआ है इस जोन के अंदर ये स्टॉक काम करता है ऑलमोस्ट 2015 से लेके 2020 हजार बीस पांच साल इसने इस रेंज के अंदर काम करा है और मेरी जो बाइंग है मेरी बाइंग है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो रुपए की मेरी बाइंग है 230 या दो रुपए की जब ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया था मैं आप लोगों को दिखाता हूं ठीक है यहां पर देखिएगा ये देख रहे हैं इस जोन के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा था इस जोन पे यहां पर इसने एक ये डबल बॉटम टाइप और यहां पर इसने कंसोलिडेट करा था इस लेवल पे जस्ट वेट अ सेकेंड इसने देख रहे हैं ये कंसोलिडेट यह यहां पर मेरी कहीं बाइंग थी इस लेवल पे और यहां से मैंने अभी तक स्टॉक को होल्ड करा हुआ है और अभी टू फिफ्टी के अराउंड होल्ड करा हुआ है स्टॉक ट्रेड कर रहा है एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज पे अब सर पेशेंस कितना आया आपके पास ये होल्ड करने का आपको डर नहीं लगा क्या यहां से बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर सकता है इसका रीजन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है जिसकी वजह से आप अपने स्टॉप लॉस को इतना ट्रेल कर दो कि इवेंचुअली अगर वो स्टॉप लॉस भी आपका हिट करेगा तो आप एक्सट्रीम प्रॉफिट्स पे निकलोगे अभी तक मेरा स्टॉप लॉस इस पे हिट नहीं करा मेरा स्टॉप लॉस है 680 का और मैं अभी तक स्टॉक को होल्ड करा हुआ मेरे टारगेट्स जब तक ऊपर जा रहा है जितना ऊपर जा रहा है जाने दो इसे ठीक है अब बात करते हैं इंटरा डे की इंट्राडे में क्या करना है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एक ट्रेंड फॉलो ये भी कर रहा है जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी किस स्टॉक की स्कॉट्स uh, की बात करी थी ना कि एक कैंडल ऊपर फिर छो कैंडल रेंज के अंदर ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है एक सिस्टमैटिक पैटर्न यहाँ पर देखिए गाइस ने करा क्या है मैं आप लोगों को इस पेन के थ्रू दिखाता हूँ एक शार्प अपमूव आई है इसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया है एक पॉज लिया है उसके बाद दोबारा एक अपमूव आई अपने है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा दोबारा इसने पॉज लिया और जो प्रीवियस हाई था उसी को इसने रीटेस्ट करा जो पहले रेजिस्टेंस था वो इसके लिए सपोर्ट बना प्लीज गाइस समझने की कोशिश करना इसके बाद दोबारा ऊपर गया अपने इसने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करा ब्रेक करने के बाद इसी लेवल पे दोबारा आया अभी आया था आज की मार्केट पे मैंने सोचा था बाय करूं बट पता नहीं किस रीजन से मैं बाय नहीं कर पाया और उसके बाद मैं भूल गया बट मैंने क्लोजिंग मार्केट पे देखा तो मुझे लगा ये स्टॉक अभी भी अच्छा है अब आप देख सकते हैं कि ये एक मैं लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं एंड अगर ये यहां पर आता है रीटेस्ट करता है तो ये एक डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनारी क्रिएट कर सकता है तो कल मार्केट पे देखना अगर ये नेगेटिव क्लोजिंग देता है अगर नेगेटिव खुलता है देखिए मेरा काम है आप लोगों को यहां चार्ट दिखाना इस वजह से कि आप लाइव मार्केट पर उसे खुद समझ पाओ ठीक है तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं अब करना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है वो मेरे ऊपर नहीं करेगा अगर आप लोगों को इस पर अर्न करना है ठीक है अब यभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है इंटेलेक्ट का एट ट्वेंटी टू रुपीज पे मुझे लगता है कि कल ये एट हंड्रेड एंड ट्वेल्व तक आके फिर बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है या फिर ये मौका भी ना दे और यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे सो so, करना क्या है कल मार्केट पे सिर्फ पाँच मिनट वेट करना क्या बोला मैंने सिर्फ पाँच मिनट वेट करना डिसीजन देख लो कि अगर स्टॉक पांच मिनट लगातार ऊपर जा रहा है तो बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है स्टॉक नीचे आ रहा है तो वेट करना है आठ सौ तेरह आठ सौ बारह रुपए के लिए अगर ये नीचे भी ब्रेक कर देता है कोई बात नहीं एक बार नीचे आके ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है दोबारा तो बाय कर लेना अगर इधर कोई भी एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख जाए मतलब एक डबल बॉटम बन चुका है यहां पर बाय कर सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आठ आपको अगले दिन या दो दिन के अंदर मिल सकते हैं ये स्टॉक आप देख सकते हो अब बात करते हैं चार स्टॉक्स रिकमेंड कर दिए अब बात करते हैं आर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक की ठीक है जो कि है जो मैंने सेलेक्ट करा है अभी क्लोजिंग मार्केट पे दैट इज पीई एल फिर इंटरप्राइजेस ठीक है ये स्टॉक आप लोगों को मैं सबसे पहले लेकर चलता हूं ना वीकली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखाऊं देखिए ये तो मैंने मल्टीपल लाइंस ड्रॉल रेडी कर रखी है क्योंकि मैं प्रीवियसली भी स्टॉक को एनालिसिस uh, कर चुका हूँ मैंने यहाँ पर मल्टीपल बारह सौ के आसपास भी ट्रेड्स ले रखे हैं इस स्टॉक को मैंने अपनी पोजीशन में ले रखा था बट मैंने एग्जिट कर दिया था बहुत टाइम पहले अराउंड मैंने इस फॉल पे एग्जिट कर दिया था मतलब दो सौ रुपये ऊपर एग्जिट एक, कर दिया था बट इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट थी मैं कैप्चर नहीं कर पाया अभी ये मेरे दोबारा रेडार में आया है मैं इसे खुद बाय करने वाला हूँ सो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ ये स्टॉक आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक ट्रेंडलाइन ड्रॉ करी है ये एक स्विंग ट्रेडिंग है ध्यान रखिएगा एक ट्रेंडलाइन ड्रॉ करी है उसका एक ब्रेकआउट दिया इट गेव अ रीटेस्ट इस रिटेस्ट मैंने सोचा सस्टेन नहीं करेगा इसलिए मैं डर की वजह से निकला था बहुत टाइम पहले ठीक है बट यहाँ पर मैं अब आपने देखा है एक शार्प मूव आई है देख रहे हैं ये एक शार्प अप मूव आई है कंटिन्यूस मूव आने के बाद आप देखेगा जिस लेवल से जिस लेवल से हम लोगों ने देखा है एक शार्प फॉल आई थी उसी लेवल को इसने एक बार रीटेस्ट कराए क्या करा जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया उसी लेवल को रिटेस्ट कराए एंड यहां से ऊपर जाना का स्टार्ट कर रहा है ठीक है तो मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहूंगा यह एक चीज इंपॉर्टेंट है प्लस दूसरी चीज आप देखने वीकली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है इसका भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है सेकेंड चीज भी हो गई अब बात करते हैं थर्ड चीज की थर्ड चीज पे अगर आप देखिएगा तो मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूं फ्रॉम बॉटम एंड फ्रॉम टॉप आप देखेंगे जो बॉटम है एग्जैक्ट 50 परसेंट रिप्रेसमेंट लेवल है तो वहां पर होल्ट कर रहा है बाय अभी आप लोगों को, को मैं करंट प्राइस पे भी बाय करने की सलाह दे रहा हूं करंट प्राइस पे भी बट अगर आप लोग सेफ ट्रेडर हो अगर बाय चांस कोई वीडियो लेट देख रहा हो अगर, अगर अपॉर्चुनिटी मिस कर दे तो अगर ये 1740 के ऊपर भी जाता है तो भी बाय कर सकते हैं क्या बोला मैंने 1740 के ऊपर भी बाय कर सकते हो मेरा टारगेट दो प्लस का है मैंने क्या बोला टू प्लस का मेरा टारगेट है करंट प्राइस है सेवनटीन का ये स्टॉक मैं कल डेफिनेटली बाय करूंगा टू वीक्स थ्री वीक्स के अंदर आ जाएगा एक महीने के अंदर आ जाएगा दो का उसके बाद ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो में चले जाएगा ओके सो आई होप मैंने आप लोगों को सारी नॉलेज प्रोवाइड करवा दी होगी अब बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ निफ्टी पे सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पर जो मेरा लॉस बुक करा है मैंने ठीक है ये देख रहे हैं ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की मैं पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पर और इजिली देखेगा ये देख रहे हैं ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस ठीक है इस ट्रेंड लाइन पे हम लोग मल्टीपल रेजिस्टेंस देख रहे हैं जब इसने इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने क्लाइंट्स को ट्रेड नहीं दिया बट नीचे आया और इस लेवल से ऊपर गया तो मैंने ट्रेड लिया ट्रेड लेने के बाद मैं क्या देखता हूं एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिलती है सेम गोज विद बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ऐसा हुआ था तो मैंने बैंक निफ्टी पे ट्रेड लिया था अकॉर्डिंग टू निफ्टी क्योंकि निफ्टी पे हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन है हमारे पास सत्रह चौदह हजार सात सौ से ऑलरेडी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में पोजीशन होल्ड करके रखे हुए हैं सो so ये हमारे पास अभी भी होल्ड है बट ये जो एक शार्प फॉल आया था यहां पे मेरे स्टॉप स्टॉपलोज हिट करे एंड ये शार्प फॉल के बाद जो रिकवर कर रहा है वी शेप रिकवरी यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंद्रह हजार के आसपास आते आते मतलब जितने जितने करीब आते रहोगे पंद्रह हजार के आसपास इतने पुट राइटर बैठे हुए हैं वहां पर हम लोग मतलब पुट राइटर हैं डेफिनेटली वहां पे सो उसके ऊपर डेफिनेटली क्लोजिंग दे सकता है जिस तरीके से लग रहा है कि पंद्रह हजार के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है बट मुझे लग रहा है पंद्रह हज़ार का लेवल एक प्रेशर हो सकता है यहां पर इतनी वॉलीटिलिटी के हिसाब से तो मैं तो ट्रेड करने नहीं वाला ठीक है अब मैंने इंटराडे तो इस वजह से पहले भी बंद कर रखी थी बट मेरी दोबारा बंद हो गई है आज के लॉसेस को कवर करने के चक्कर में बट नो no वरीज बट अगर मैं बात करूं ट्रेड की तो निफ्टी अभी भी बाय है मैंने क्या बोला निफ्टी अभी भी बाय है मैं आप लोगों को कम से कम तीन से चार दिन से बोल रहा हूं कि निफ्टी बाय है निफ्टी को छोड़ दो निफ्टी को छोड़ दो जब तक चौदह हजार सात सौ के नीचे नहीं जाता निफ्टी मेरे लिए बाय है जितनी भी डिप दे दे बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड बाय नहीं है कल भी करना चाहो तो निफ्टी को बाय कर लो बट बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए बाय ठीक है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर एक शेयर लाइन बन रही है इस ट्रेंड लाइन को बना के देखते हैं ओके सो so, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है बट यहाँ पर आप देखेगा ये देख रहे हैं इस लेवल पे एक शार्प फॉल आया एंड उसके बाद इस लेवल पे पता नहीं कौन सा लेवल है जहां पर जाकर रुका है उसके बाद इधर इट क्रिएटेड डबल बॉटम इट मूव्ड अप एंड क्रिएटेड ट्रिपल बॉटम एंड मूव्ड अप ये अभी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी पे है ये तो इस वजह से मैं इस पर ट्रेड नहीं करना चाहता अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं देखिए कल तो मैंने बताया था 33,000 ब्रेक हो तुरंत बाय कर लो दो सौ रुपये तीन सौ रुपये आराम से मिल जाएंगे जो कि वो हम लोगों को आराम से मिल गए थे ठीक है अब मैं कहूंगा कि जब तक ये अपने इस वाले ब्लैक कलर की लाइन दिख रहे हैं मैं लेवल बता देता हूं थर्टी थ्री थाउजेंड टू सिक्सटी का क्या बोला मैंने थर्टी थ्री थाउजेंड टू सिक्सटी के ऊपर अगर पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती है तब तक बाय नहीं करना नेक्स्ट टारगेट आर शुड भी थर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड टू लेके थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो कि इंटर डे के अंदर आपको मिल सकता है बट इसके अलावा सेल साइड पर कुछ नहीं करना बाय साइड पर बता दिए इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है तो कुछ भी नहीं करना सो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी होगी पीई में बाय कर रहा हूँ गाइस चाहे मार्केट पर स्टॉक कल नीचे गिरे चाहे ऊपर गिरे सो so, आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे एक बार पूछ लेना या इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस दो स्टॉक्स और आने वाले हैं डेफिनेटली सो so, गाइस अगर आप लोग रिपोर्ट चाहते हैं रिसर्च रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो स्विंग ट्रेड्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीक दी है सो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हैं इस वीडियो में थाउजेंड लाइक्स आते हैं तो मैं और ऐसी डेडिकेटेड वीडियोज आपके सामने प्रेजेंट कर ऊंगा तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड हम लोग मिलते हैं अगले दिन बाय बाय